हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ फेस्टिव सीजन साड़ी साइज, जो कि आजकल आप देख सकते हैं मीशो पे, फ्लिपकार्ट पे बहुत सारी जगह सेल लगी है। तो आप कैसे बचत कर सकते हैं वो भी बताऊंगी। आप मीशो पे जाके मेरा कूपन कोड यूज़ कीजिए, तो आप पे जाके मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं, तो आपको उस पर भी बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आज फेस्टिव साड़ी कलेक्शन। तो सबसे पहले साड़ी जो बहुत ही प्यारी साड़ी है, जिसको हम कह सकते हैं राजपुताना साड़ी, और वो आपके साथ शेयर करती हूँ। फर्स्ट साड़ी जिसको हम राजपुताना साड़ी बोलेंगे, और ये साड़ी बहुत प्यारी है, बहुत ही ज़्यादा एकदम सॉफ्ट वाला फैब्रिक है, जॉर्जेट फैब्रिक है, और ये प्योर की साड़ी है। तो ऐसी वाली जो साड़ीज़ है ना, आपको बहुत सारी मिल जाएंगी इंस्टाग्राम पे, मीशो पे, और बहुत सारी जगह पे मिल जाएगी। तो कुछ चीज़ों का लिंक होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और जिन चीज़ों का लिंक नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी टाइम पहले ली थी तो मैं शायद आपको इसका लिंक ना दे पाऊँ, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, अगर होगा तो डेफिनेटली आई शेयर विद यू। तो सबसे पहले ये साड़ी है रेड कलर में, क्योंकि फेस्टिवल सीज़न है तो रेड कलर तो भाई लेना बनता है। और इसके साथ यहाँ पे येलो कलर का साटन का बॉर्डर है, पूरी की पूरी साड़ी बहुत खूबसूरत है। और जब आप इसे पहनते हैं ना, सीरियसली मतलब बहुत ही प्यारी लगती है। एक तो लाइट वेट है, और राजपूताना स्टाइल में आप इसको पहन सकते हैं। बेसिकली इसे राजस्थानी राजपूताना स्टाइल, इस तरीके की साड़ीज ही कहा जाता है, तो इसलिए मैं ये कह रही हूँ। इस तरीके के इसमें ये लगे हुए हैं, और येलो कलर का इसका बॉर्डर है, बहुत खूबसूरत साड़ी लगती है, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके की साड़ी आप डेफिनेटली ले सकते हैं। और इसका ब्लाउज जो था येलो कलर में था, बट मैं इसके साथ जो ब्लाउज पेयर किया था, मैंने जो मटेरियल, तो मैंने ब्लाउज भी हैवी थोड़ा सा इसका पेयर किया था, तो उसके साथ मैंने ये वाला ब्लाउज भी पेयर किया हुआ है, और ये भी बहुत प्यारा लगता है। तो आप हमारी सेकेंड साड़ी जो कि बहुत प्यारी है, अगेन जिनको लाइट कलर्स पसंद होते हैं तो वो ये वाली इस तरीके की साड़ीज ले सकते हैं। ये एक ऑर्गेन्जा साड़ी है, आप देख सकते हैं इसका जो वर्क है, इस तरीके का वर्क है ये पूरे में, मिरर वर्क इसे बोलते हैं, ये पूरा का पूरा मिरर वर्क है। और ये पीच कलर में ऑर्गेन्जा साड़ी है, और क्या ये लुक देती है, सीरियसली गाइस, मतलब इतना प्यारा लुक देती है आपको, एक एलिगेंट सा। और ऑर्गेन्जा तो मुझे इस टाइम बहुत पसंद आ रहा है, और बहुत ही प्यारी पूरी साड़ी में इस तरीके का मिरर वर्क है। इसके साथ मैंने दो ब्लाउज पेयर करे थे, एक मेरे पास रेडीमेड ब्लाउज था, और एक मैंने इसी का ब्लाउज जो कि पूरा हैवी ब्लाउज है, और वो मैंने पेयर किया है, फोटो मैं लगा दूंगी, आप ज़रूर देख लीजिएगा। और बहुत ही प्यारा लगता है ये कलर, और ये कलर जो है ना, मतलब इंडियन स्किन टोन के अकॉर्डिंग है। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, चेकआउट कर लीजिएगा। आप किसी भी फेस्टिवल में इसे वेयर कर सकते हैं, आप बहुत सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं लाइक दिवाली, करवा चौथ, और अब तो मतलब धूम मचने वाली है फेस्टिवल्स की। वन टू थर्ड साड़ी जो कि जिन लोगों को बनारसी साड़ी पहनना बहुत पसंद होता है, तो सिल्क साड़ी जो लोग प्रेफर करते हैं उनके लिए, तो यहाँ पे है मेरे पास ये थर्ड ग्रीन कलर की साड़ी, जिसका बॉर्डर ही आप देख लें कितना रॉयल है, बहुत ही प्यारा है। और ये पूरी की पूरी इस तरीके की साड़ी है, इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और ये ग्रीन कलर की, और ये अनुष्का ने पहनी थी, अनुष्का शर्मा ने ये साड़ी पहनी थी, उसकी ये रेप्लिका है, मीशो पे अवेलेबल है, तो आप ले सकते हैं। पूरा का पूरा गोल्डन बॉर्डर है, इस तरीके की साड़ी है। आप चाहें तो इसके साथ नेट का ब्लाउज पेयर कर सकते हैं, या फिर कोई इस कलर का डार्क ब्लाउज भी पेयर कर सकते हैं, ग्रीन एंड पर्पल, बहुत प्यारा लगता है, तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। पिक्चर्स इसकी भी मैं साइड पर लगा दूंगी, तो और ये बजट, और ये आपको बहुत बजट में मिल जाएगी, तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। फोर्थ साड़ी जो कि बहुत ही प्यारी है अगेन, और ये जो साड़ी है ना, ये मुझे मेरी सिस्टर ने करवा चौथ पे ही दी थी, और ये इंस्टाग्राम से ही आई थिंक ली थी, तो जो भी इंस्टाग्राम हैंडल होगा मैं कोशिश करूँगी कि उसे शेयर कर दूँ, अदरवाइज़ आपको मीशो पे भी इस तरीके की बहुत सारी साड़ियाँ मिल जाएंगी। तो ये है ये पूरी रेड कलर की साड़ी, सो ये है पूरी रेड कलर की साड़ी जिसपे इस तरीके का गोल्डन बॉर्डर है, पूरी साड़ी प्लेन है बट बॉर्डर इस तरीके का है, और ये बहुत खूबसूरत साड़ी है। इसकी भी पिक आपको मिल जाएगी यहाँ पे, तो ये आप इसको ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही प्यारी साड़ी है डेफिनेटली, पल्लू में और पूरी ऑल ओवर साड़ी है, तो इसको आप किसी भी हैवी या लाइट फंक्शन में कैरी कर सकते हैं। और इसका जो मेन अट्रैक्शन है वो है इसका ब्लाउज सी, इसका जो ब्लाउज है ना ये बहुत ही प्यारा है, और ये मैंने बोट नेक में सिलवाया था,
आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा लगता है। इसके जो स्लीव्स हैं 3/4 स्लीव्स हैं, बहुत सुंदर स्लीव्स हैं। इस तरीके का मैंने इसे सिलवाया था और ये बहुत ही प्यारा लगता है। तो आप ब्लाउज़ इस तरह से भी सिलवा सकते हैं और ये पैडेड है तो वो पूरा भरा हुआ ब्लाउज़ है, बहुत खूबसूरत लगता है। और ये मेरे ना काफ़ी बहुत ही वर्सेटाइल ब्लाउज़ है, काफ़ी सारी साड़ियों के साथ मैं इसे मैच कर लेती हूँ। ये हैं आज कुछ साड़ियाँ जो कि मैं मीशो से आपके लिए लेके आई हूँ। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और कहीं पर भी थोड़ा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। बहुत मेहनत लगती है छोटी छोटी चीज़ें आपके साथ शेयर करने के लिए। सो अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और इतने सारे कलेक्शन, इतनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ मैंने आपके साथ शेयर करी और आगे भी आपके साथ बहुत प्यारी प्यारी साड़ियाँ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। सो मिलते हैं एक नए वीडियो नए ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय।